बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। दोस्तों, ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है जी, इस वक्त मुझे बहुत सी डिमांड आ रही थी, रमीज़ भाई हमें 250 सीसी का रिव्यू दें। ये जी 250 सीसी आपको नज़र आ गया, ये क्रोन की गाड़ी है ये, और 250 सीसी गाड़ी कह रही है जी कंपनी से। तो आज इसकी पूरी हकीकत आपके सामने पेश करते हैं जी। तो यकीन करें, वीडियो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और अगर आपको मेरे पे यकीन है कि रमीज़ भाई गलत बात नहीं करते, तो वीडियो यहाँ ही ख़त्म कर दें, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और उसकी वजूहत भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भाई आपको खुद ही बताएंगे। देव एक्सीलेटर, ये आपको आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, ये आपको आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं जी। 250 सीसी गाड़ी है जी इसकी, दो रेडिएटर लगा हुआ है, शाख इसे जो लगे हुए हैं जी, इसके शाहों में दो, एक छोटा सा वर्ल्ड मुझे ये नज़र आया, इसके शाह आते हैं, ये देखें इसके शाह पूरे नहीं लगे, दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें इसके शाख आते हैं, इतनी इतने यानी शाख हैं, हमारे जो सीवा को शाख लगे हुए हैं वो पूरे शाख लगे होंगे। उसके बाद ये मड़कार शिड़कार देखें, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी मेरा ख्याल है। ये क्वालिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं जी, इसे हम बेचना कोई बात नहीं होती, बाद में उसको रिकवर करना एक बात होती है जी। इसका जो ये नीचे वाला मामला है ये है जी, हाँ जी ठीक है जी। एक मिनट, ये डबल टायर में बनाई हुई है जी कंपनी ने, ये देखिए, मैंने कहा पता नहीं कौन सी चीज़ बना दी जो इतनी धूम है जी यूट्यूब पे, लेकिन ये डबल टायर में, और इसकी चेसी देखें यहाँ तक है, ये पीछे पूरा गैप है, यानी 8.5 फुट की बाड़ी है, 8.5 फुट की बाड़ी है इसकी, 9 फुट की बाड़ी है और 3 फुट का पीछे गैप है। इसके बरक्स आपको दिखाता हूँ जो दूसरी कंपनियों के बने हुए हैं, तो ये रेट इसका 4.5 लाख रुपया, ठीक है। इस भाई को जाने देता हूँ, क्योंकि इन्होंने काम करवाने आए थे, अभी 2-3 माह हुए हैं इन्हें लिए हुए। ये देखें इसके बरक्स सीवा की गाड़ी देखें, इसके शाख मुकम्मल लगे हुए हैं जी, और मरगाड़ वगैरह भी बहुत मजबूत बने हुए हैं, और इसकी चेसी वगैरह इंजन वगैरह आपको पता ही है, उसका 250 सीसी इंजन है, 200 सीसी प्लस के इंजन के, क्योंकि हमारा भी 250 ही है, लेकिन हमारे इंजन से छोटा है। इसके अलावा जी हमारी चेसी है, देखें लास्ट तक है जी दोस्तों, इसकी चेसी जो 3 से 3.5 इंच कम थी, इसकी 6 इंच सिर्फ कम है। उसके अलावा जी हमारा जो फ्यूल टैंक लगा होगा वो लगा हुआ है, हमारे 150 सीसी को वाला जो फ्यूल टैंक लगा हुआ है, लोकल वाले को उसने वो वाला लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारा फ्यूल टैंक, हर चीज़ में फ़र्क है। इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल और प्रॉपर वीडियो चंद के दिन में आएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें और इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम।